हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्ल्ड लेसंस की क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं, यानी कि आज हम बात करेंगे कुछ फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आप सब जानते हैं आपके नेक्स्ट मंथ के, अब इसी मंथ आप समझ लो कि 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच एग्ज़ाम होने वाले हैं। और प्रॉपर रूप से अगर आपको डेट शीट नहीं देखी, अभी आपको डेट शीट देखनी है, तो जाकर के मेरे टेलीग्राम पे पूरा का पूरा जो PDF है वो अपलोड की हुई है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा आप मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहते हो, कोई मैसेजेस या कोई भी अबाउट स्टडी कोई प्रॉब्लम्स है, मुझसे आप बात करना चाहते हो, तो आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स है, हमारे इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पर मुझे मैसेजेस कर सकते हो, फेसबुक पेज है, वहाँ पर उसको फॉलो कर सकते हो। बिकॉज ऑफ छोटी छोटी जो अपडेटिंग है वो वहाँ पर भी हम डालते रहते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वहाँ पर डालते रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की हुई ये सब। तो नीचे इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हो। तो देखिए, सबसे जरूरी जो मेन फैक्ट यही है कि स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता है। यू नो दैट, एक एक्सपेरिमेंट, एक लेबोरेटरी की तरह हम उसको यूज़ करते हैं। बिकॉज वो एक हाउस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। सबसे पहले रिपब्लिक को, सबसे पहले डेमोक्रेसी को एक लॉन्ग टर्म तक वहीं यानी कि स्विट्जरलैंड में ही इस्टेब्लिश किया गया, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वहीं पर देखा गया। यानी कि उसके बाद और कंट्री की हम बात करते हैं तो उसके बाद ही डेमोक्रेसी आई है। बट बहुत सारी ऐसी कंट्री जहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेसी फुल टू एग्जिस्ट नहीं करती है, यू नो, दिखावे के लिए डेमोक्रेसी, बट अगर इंटरनल वहाँ पे एक्टिविटी देखें तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम चाइना की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को डेमोक्रेसी मिलेगी, सुनने में डेमोक्रेसी मिलेगी, बट अगर वहाँ पे इंटरनल रूप से आप देखेंगे तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं, यानी कि वो फीचर्स जो स्विट्जरलैंड के संविधान को एक तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ, स्विट्जरलैंड इस वजह से परफेक्ट है, इस वजह से उसका सिस्टम बहुत अलग है अदर कंट्री से। देखते हैं कितना ज़्यादा हमारे भारत के संविधान से ये मिलता जुलता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान, इनेक्टेड राइटन एंड कंपैरेटिवली कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सबसे पहला जो फीचर्स इसका ये है कि जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की ही तरह एक निर्मित और लिखित संविधान, यानी कि इसको क्रिएट किया गया है। और इसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मोमेंट हो गए, बहुत सारी एक्टिविटी हो गई, वो सब की गई हैं, जैसे हमारे इंडिया में किया गया था। तो यहाँ पे 1848 में निर्मित संविधान जो स्विट्जरलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक, यानी कि बहुत ही बड़ा संविधान है। देखिए, अगर उसकी पॉपुलेशंस की बात करें तो पॉपुलेशंस के बेस पर उसका संविधान काफ़ी बड़ा संविधान माना जाता है। देखिए, वैसे तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान था वो 1848 में क्रिएट किया गया था, बट उसमें कुछ अमेंडमेंट होते रहे, कुछ चीज़ें जुड़ती रही, तो 1998 में उसको अब फिर से निर्मित किया गया, और 1999 यानी कि 1999 में वो लागू किया गया। कुछ संशोधन होते हैं, कुछ अमेंडमेंट होते हैं उसके बेस पर। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कठोर संविधान, यानी कि दूसरी उसकी विशेषता है कठोर संविधान, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो काफ़ी कठोर माना जाता है, काफ़ी रिजिड माना जाता है। इट मीन्स उसमें संशोधन करने के लिए नॉर्मली कानून के निर्माण का जो प्रोसेस होता है, जो कानून वहाँ पर बनाए जाते हैं, उन प्रोसेस से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाना होता है। यानी कि एक नॉर्मल, देखिए, जो लॉ बनाए जाते हैं वो एक नॉर्मल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, यानी कि हर स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सभाओं में, असेंबली में उसको रखा जाता है डिस्कशन के लिए। बट यहाँ पे कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाए जाने की वजह से संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। क्योंकि व्यवहार के अंतर्गत यद्यपि संशोधन यानी कि अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, यानी भारत में क्या है, लचीला है और कठोर है। यानी कि यहाँ पे या तो अमेंडमेंट होते नहीं या फिर अमेंडमेंट होंगे, और वो एक प्रोसेस होता है। और बेसिकली आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो खैर कोई बात नहीं, इसको लेकर के भी हम वीडियो लेक्चर बना लें, क्योंकि फिलहाल ज़रूरी है हम स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशंस पर फोकस करें। लेकिन अमेरिका की तुलना में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कम कठोर है, क्योंकि इस सिचुएशन में एक कारण यह भी है कि स्विट्जरलैंड के जो व्यक्ति है वो अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं, जैसे फ्लेक्सिबल है, वो समय के अनुसार अपने आप को वहीं उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, इन्वायरमेंट जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेव चेंज कर लेते हैं, तथा वे आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते।
यानी कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आने वाले फ्यूचर्स में भी कुछ भी ऐसा अमेंडमेंट, कुछ भी चेंजेस वगैरह होता है, तो यहाँ पर अगर हम कठोर संविधान की बात करते हैं, तो कठोर संविधान का कहने का मतलब ये होता है कि स्विट्जरलैंड में अगर अमेंडमेंट की बात करते हैं तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है और वो बहुत ही टिपिकल होता है। और अगर अमेरिका की बात करें थोड़ा सा उससे कम होता है, बट अगर भारत की बात करें उससे थोड़ा सा कठोर होता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन गणराज्य यानी कि ओल्डेस्ट रिपब्लिक। देखिए हम स्टार्टिंग से ही जो हमारा पार्ट वन है स्विट्जरलैंड का, उससे ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो ओल्डेस्ट रिपब्लिक माना जाता है, यानी कि सबसे पहले, सबसे विश्व में जो सबसे पहले रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया गया था वो स्विट्जरलैंड में किया गया था। तो स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। 1870 तक सान मेरिनो और हंसा टाउन जैसे दो कम महत्वपूर्ण राज्यों के अलावा स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था। प्रॉपर रूप से अगर हम यहाँ पे देखें तो यूरोप की बहुत सारी कंट्री हैं, ठीक है, और अगर रोमन साम्राज्य की बात करें और बहुत सारे ऐसे साम्राज्य जिनमें प्रॉपर रूप से आप डोमिनेंट जो सिस्टम है वो आप दे सकते हो, एशिया में आप डोमिनेंट सिस्टम दे सकते हो। तो उस समय भी स्विट्जरलैंड के बहुत सारे ऐसे स्थान से, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर प्रॉपर रूप से लोकतंत्रात्मक गणराज्य एस्टैब्लिश किया गया था, यानी कि जहाँ पर प्रॉपर रूप से डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये एक बहुत ही पुराना यानी कि ओल्डेस्ट रिपब्लिक इसलिए माना जाता है और इसलिए इसकी वैल्यू भी है और इसलिए हम स्पेशल फीचर्स में इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधने की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। तो स्विस संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप से अपनाया गया है। तो वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था को, यानी कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको अव्यवहारिक मानकर छोड़ दिया गया था, यानी कि जब उसको, जैसे डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में एस्टैब्लिश होती है बट उसको इम्पोर्टेंट ना समझते हो, उसको वन साइडेड कर देना होता है, तो काफ़ी हद तक बहुत सारी ऐसी कंट्री थी कि उस समय डेमोक्रेसी या रिपब्लिक जैसी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको वन साइडेड कर दिया था। बट वहाँ पर स्विट्जरलैंड ने उसको फोकस करते हुए, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए, उसकी वैल्यूज़ देखते हुए उसको अपनी कंट्री में एस्टैब्लिश किया। तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और उसके जो साधन अपनाए गए, यानी कि हम किस तरीके से जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जो रिपब्लिक है उसको एक लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रख सकते हैं। और ये बहुत समय से, यानी कि इतने सालों से चलता आ रहा है और अभी तक ये स्टेबल है, तो इसकी अपनी एक वैल्यूज़ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वैसे तो संविधान में स्विट्जरलैंड को एक राज्यमंडल यानी कि कन्फेडरेशन कहा गया है, लेकिन एक्चुअल में स्विट्जरलैंड एक राज्य मंडल ना होकर एक संघ राज्य के फेडरेशन ही है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी लक्षण लिखित है, कठोर संविधान है, संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में यानी कि जो सेंटर है जो और जो स्टेट है उनमें भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ तक कि एक सेंट्रल जुडिशरी की हम बात करते हैं। राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका की द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की इसमें व्यवस्था की गई है। तो प्रॉपर रूप से ये फेडरल सिस्टम को ही एक तरीके से प्रमोट करता है। यू नो दैट आप जानते हैं फेडरल सिस्टम होता है जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं, जैसे कि इंडिया में है। तो इंडिया में भी देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है अगर आपने इंडिया का संविधान की जो विशेषताएँ हैं वो अगर आपने स्टडी की हैं, तो आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जब आप स्टडी करोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं, बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं उनमें बहुत हद तक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे यही पॉइंट आप देख सकते हैं कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो ये स्विट्जरलैंड में भी है, आप अमेरिका वाले में भी देखेंगे, उसके साथ साथ आप इंडिया में भी इसको देखने को आपको मिलेगा। तो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस बेस्ड ऑन लिबरल फिलॉसफी। तो वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में इंग्लैंड, अमेरिका और बहुत सारे ऐसे देशों के संविधान है जो उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है, प्रॉपर रूप से लिबरल है, इंडिविजुअल है, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल लिबरल है। तो पूर्व सोवियत संघ या चाइना आदि देशों के संविधान समाजवादी दर्शन पर आधारित है। देखिए वैसे तो हम थियोरेटिकल चाइना को एक तरीके से समाजवादी मानते हैं, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के आधार पर मानते हैं, बट अगर रियलिटी देखें तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा सोशलिज्म है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। यू नो दैट वहाँ पे एक तरीके से डिप्लोमेटिक है, बहुत अधिक तक वहाँ पे अधिनायक तंत्र है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे प्रैक्टिकली, आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हो या नॉर्मली वहाँ पे देख भी सकते हो कि वहाँ पे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वह अपने धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है, यानी बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं। बट हमारे देश में किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो, मतलब उसको समानता का अधिकार यहाँ पे दिया गया है।
आप मंदिर में जा सकते हो, आप मस्जिद में जा सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या आपको कहीं, आप देखिए इतने सारे हमारे यहाँ रैलीज निकलती है, इतनी सारी हमारे यहाँ झांकियाँ निकलती है, कहाँ के इस पर प्रतिबंध है, लेकिन चाइना वगैरह में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम कुछ चीज़ें थियोरेटिकल पढ़ते हैं बट प्रैक्टिकल वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव है, बहुत ही लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस वहाँ का हम देख सकते हैं। तो ये इसकी खास विशेषता है क्योंकि लिबरलाइजेशंस को वो वहाँ पे फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय, यानी कि एमलगमेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में या तो ब्रिटेन जैसे संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है, यानी कि वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यूके में इज़ अ वेरी बेस्ट सिस्टम माना जाता है और अधिकतर हमने अपनी कंट्री में भी यानी कि इंडिया में भी उसी को अपनाया गया है, तो या अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, क्योंकि यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो वहाँ पे सक्सेसफुल है। लेकिन स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था एक अपवाद है क्योंकि यह न तो पूरी तरीके से संसदात्मक सिद्धांत के अनुकूल है न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है। तो स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका जो है, अगर लेजिस्लेटिव की बात करें और एग्जीक्यूटिव की बात करें, वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी कि हर कंट्री में, इंग्लैंड की बात करें, यूएसए की बात करें, वहाँ पे प्रॉपर रूप से जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ पे। लेकिन स्विट्जरलैंड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव जिसका काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है उन कानूनों को एग्जीक्यूट करना, उनका इम्प्लीमेंट करना, तो ये दूसरे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुल कार्यपालिका। देखिए नेक्स्ट इसका जो विशेषता है वो है प्लूरल एग्जीक्यूटिव। तो सामान्यतः विचार यही है कि कार्यपालिका संगठन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसकी दृष्टि से इक्वालिटी होनी चाहिए, एकल होनी चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का जो कार्य है, जो सिस्टम को मैनेज करने का जो भी काम है, जो उनको इनोग्रेट करने का जो काम है, वो कुशलतापूर्वक किया जाए। लेकिन स्विट्जरलैंड में एग्जीक्यूटिव पावर 7 मेंबर्स की एक फेडरल गवर्नमेंट को प्रदान की गई है, ठीक है, उसमें 7 सदस्य हैं और संघीय सरकार जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इन 7 सदस्यों की जो पावर्स होती है बिल्कुल समान है। तो कुछ भी वहाँ पे अप या डाउन जो पावर्स है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, वो अप डाउन नहीं की गई है, सबको इक्वल दी गई है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्विट्जरलैंड की एग्जीक्यूटिव वो एक तो प्लूरल एग्जीक्यूटिव है और उसके साथ साथ ही यहाँ पे जितने भी, अगर हम फेडरेशन गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें प्रॉपर रूप से जो भी 7 सदस्य रखे गए हैं उन 7 सदस्यों को इक्वल पावर को दिया गया है। ये एक इसकी खास विशेषताओं में से एक मानी जाती है। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप से मूल अधिकारों की व्यवस्था, यानी कि फॉर्मल बिल ऑफ राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स इन वेरी कंप्रेहेंसिव फॉर्म। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पूर्व के संविधान, जो एक संविधान 1848 में लागू किया गया था, बनाया गया था, उससे भी मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 1848 के संविधान में कुछ औपचारिक अधिकार पत्र का भी अभाव था। लेकिन फिर से मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में कुछ अमेंडमेंट हुए थे, उस अमेंडमेंट के बाद 1999 में फिर से संविधान को लागू किया गया और उसमें जो अधिकार पत्र है, जो चैप्टर है कुछ, उसको ऐड किया गया, ठीक है। ये इसकी खास बात होती है और ये इसकी स्पेशलिटी है कि कुछ चीज़ें अमेंडमेंट के बाद नई चीज़ें ऐड हुई जिसकी वहाँ पे वैल्यूज़ थी, जिसकी वहाँ पे नीड थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि सेकुलर स्टेट। देखिए सेकुलर स्टेट की जो विशेषताएं हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो हमारे इंडिया में भी सेम फीचर्स आपको कॉन्स्टिट्यूशंस में मिल जाएगा। तो सेकुलर स्टेट की बात करके, स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई, यानी कि स्विट्जरलैंड में भी किसी भी धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार सर्वाधिक प्रमुख रूप से जो आर्टिकल 15 है, उससे धर्मनिरपेक्षता का यह स्वरूप पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया गया है, यानी कि जो नेचर्स है उसका। तो आर्टिकल 15 में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर स्टेट को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और यहाँ पे ये इसको स्पेशल बनाता है। यही स्विट्जरलैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्पेशल बनाता है कि वहाँ पे प्रॉपर रूप से आपको सेकुलर स्टेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव, यानी कि एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन फेडरल स्फीयर। तो संघीय क्षेत्र में, यानी कि जो फेडरल स्फीयर है, उसमें कहाँ तक हम जुडिशियल रिव्यू का हमें एब्सेंस मिलती है, अभाव मिलता है। कि संघीय न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने और उसकी रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि संघीय न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करें, यानी कि प्रॉपर रूप से कैसे उसमें एक तरीके से जुडिशियल सिस्टम को अपनाया गया है, कैसे उस सिस्टम को एक तरीके से मैनेज किया गया है, उसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई करें, उसको वेरीफाई करें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है कि उसमें आप जुडिशियल रिव्यू को नहीं देख पाएंगे, आप इंडिया में देख पाएंगे, आप यूएसए में देख पाएंगे, अदर कंट्री में जुडिशियल रिव्यू को रखा गया है, बट स्विट्जरलैंड की खास विशेषता है कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का अभाव इसके संविधान में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुभाषी राज्य यानी मल्टी लैंग्वेज स्टेट, मल्टी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मल्टी लिंग्यूल्स भी बोल सकते हैं, अलग अलग इसमें मीनिंग्स अलग अलग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि बहुभाषी राज्य। बहुभाषी का मतलब होता है कि स्विट्जरलैंड में केवल एक ही लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, बल्कि बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, यानी कि एक धर्म के लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं और बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे एक ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे मल्टी जो लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो हमने पहले बताया कि स्विट्जरलैंड में लगभग 74% जो ऐसे लोग हैं जो जर्मनी है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जर्मन लोग हैं वहाँ पे, 20% फ्रेंच हैं, 5% इटालियन है, तो इस तरह की जो लैंग्वेज है वो उसी के बेस पर बोलेंगे, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे लैंग्वेज का मिक्सअप आपको देखने को मिलता है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशंस की स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे पॉइंट है कि प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, जो जुडिशरी बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं, बल्कि यूरोपियन महाद्वीपीय यानी कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंटल है उनके अन्य देशों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है उसके सिस्टम को अपनाया गया है। यानी कि देखिए, हमने अपने खुद के कंट्री में और बहुत सारे ऐसे कंट्री में इंग्लैंड के रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया गया, बट स्विट्जरलैंड ने ऐसा कुछ नहीं किया है। स्विट्जरलैंड ने कहीं कोई रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि जो यूरोपीय कॉन्टिनेंटल है जहाँ पर उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को और कंट्री फॉलो करती हैं, तो स्विट्जरलैंड ने उसी सिस्टम को अपनाया है, जिसके अकॉर्डिंग जन साधारण यानी कि जो पब्लिक है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग अलग न्यायालय होते हैं, अलग अलग जुडिशियल सिस्टम होते हैं। तो डायसी और अन्य ब्रिटिश लेखक जो हैं वो प्रशासनिक कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात समझते हैं, लेकिन यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हो, मतलब जो जज हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाई तरीके से काम करते हैं, तो इस प्रकार की जो न्याय व्यवस्था है उसको दोषों से मुक्त रखा जा सकता है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है। बट ऐसे में अगर न्यायालय अलग अलग होते हैं तो काफ़ी हद तक डिफरेंस, काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर रूप से विशेषताएं थे। आई थिंक सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी अगर अदर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम को ज्वाइन करके बहुत सारी अपडेटिंग की जो न्यूज़ है उससे आप अवेयर हो सकते हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं है आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।